10वें ग्लोबल लिटरेटी फेस्टिवल का आगाज हो चुका है और आज है उसका दूसरा दिन। नमस्कार, आपका स्वागत है आप 24/7 में। मेरा नाम है सात्विक जायसवाल और आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मारवा स्टूडियोज़ में। धन्यवाद सर। युवा पीढ़ियों की बात की जाए तो युवा पीढ़ी हिंदी साहित्य से थोड़ा दूर होती जा रही है, तो ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं कि युवा पीढ़ी को बढ़ावा दिया जाए हिंदी साहित्य का? मैं यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से ये बताना चाहूँगा कि युवा पीढ़ी को हिंदी की शक्ति और हिंदी की ताकत का अंदाज नहीं है, और यह दुर्भाग्य है कि उनको इस ओर खुली आँखों से देखना चाहिए कि हिंदी का जो आकाश है वो कितना बड़ा है। हिंदी को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केंद्रीय हिंदी संस्थान में 40 देशों के बच्चे अगर प्रतिवर्ष हिंदी सीखने आ रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात समझ में आ रही है? नहीं है, छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और गूगल का एक कुर्सी पर बैठा हुआ जिम्मेदार व्यक्ति जब ये कह रहा है, और अमेरिका की बैठी हुई एक कंपनी जो पूरे भाषा का डाटा अपने पास रखती है और वो ये बताती है कि L1 और L2 के माध्यम से जो कुछ भी चीज़ें उसके सामने आ रही हैं, भाषा का जो वर्गीकरण है, कि आने वाले कल में हिंदी न केवल रोजगार की बड़ी ज़रूरत तैयार कर रही है सबके लिए, विश्व बाज़ार में भी हमारी जो धमक है हिंदी भाषा की वो बढ़ रही है। हम विश्व भाषा में, विश्व ग्राम में हिंदी अपना एक जगह बना रही है और आने वाले कल में हम हिंदी नंबर एक पर घोषित होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं हिंदी संस्थान में हूँ भारत सरकार के, इसलिए कि ये सच्चाई है। और गूगल की सारी रिपोर्ट जो भी तैयार की जाती हैं वो बाकायदे डाटा बेस्ड होती हैं। तो हम रोजगार की असीमित संभावनाएं, कभी आप पुस्तक पढ़ने का मौका मिले तो प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़िए। आप कनॉट प्लेस में 10 रुपये में टाइपिंग कराते हैं हिंदी अंग्रेजी की, हिंदी का 125 रुपया क्यों देते हैं? मुंबई में 140-150 रुपया क्यों देते हैं? क्योंकि हिंदी आपको रोजगार के अवसर प्रदान करती है, बशर्ते कि आप उसको ठीक ठीक ढंग से समझ सकें, उसकी उपादेयता समझ सकें। हिंदी के बहुत बड़ी बात नहीं बोलता मैं, अभी जितने लोग यहाँ राइटिंग की बात चल रही है, 2 पेज लिखेंगे तो कम से कम वर्तनी की इतनी अशुद्धियाँ होंगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आप ये देखिए कि प्रूफ रीडिंग का कितना बड़ा स्कोप है हमारे पास। सिर्फ और सिर्फ प्रूफ रीडिंग करने का कोई कल हो जाए कि मैं वर्तनी की शुद्धि ठीक करूंगा, जो भी लिखेगा आपको ला करके देगा कि हमारा ये ठीक कर दो, और पर पेज आप उससे चार्ज कर सकते। थैंक यू सो मच सर आपके समय के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट निनाद शर्मा के साथ मैं सात्विक जायसवाल, आप 24/7।